तो पावर बीआई में हम बैक फंक्शन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम फिल्टर फंक्शन बात करें, तो फिल्टर फंक्शन में हम बात करेंगे ऑल फंक्शंस की। अब ऑल फंक्शंस जो है वो किसी कॉलन पे इस्तेमाल नहीं होता है, फिल्टर फंक्शन में अधिकतर फंक्शन जो इस्तेमाल होता है वो न्यू टेबल में होता है। तो न्यू टेबल पे क्लिक किया मैंने और यहां पे हमने डेटा कर देता हूं डेटा, और यहां पे हम ऑल फंक्शन लगाते हैं। ऑल फंक्शन में हमने डेटा टेबल दे दिया कि भाई इसमें से डेटा का चाहिए और डेटा में से किस कॉलम का चाहिए। तो मैंने बोला कि मुझे इसमें से कॉलम चाहिए, मान लीजिए नेम, नेम को सिलेक्ट किया एंड एक एंटर प्रेस कर दिया। ओके, डेटा नाम का ऑलरेडी टेबल है इसलिए नहीं होगा, मैं डेटा वन कर देता हूं। ऑल कमांड में कुछ कुछ नहीं है, डेटा नेम डायरेक्ट डालता हूं जी, समझे। तो ऑल कमांड में मैंने क्या किया, एक कॉलम का फिल डाल दिया। इस कॉलम फील डालने से फायदा क्या हुआ कि हमारा जो डेटा है उसमें का यूनिक फील्ड जो आ जाता है, समझे। तो इसमें हुआ क्या कि एक डेटा वन नाम का टेबल बना दिया, उस टेबल में हमने हमारे पास क्या हो गया, एक यूनिक लिस्ट दे दिया हमारे नेम का। तो क्योंकि डेटा में आपके पास जो है नेम कई बार रिपीटेड है ना, क्या सर अब बोलेंगे इसका यूज क्या, क्योंकि इसके बिहाफ पे हम फिर सम और बाकी चीजें लेंगे और फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। मतलब कि मुझे नेम वाइज पता करना है कि कितना टोटल उसने लिया और स्लैब इंसेंटिव, ये सब चीजें देनी है हमें, जो कि हम इसमें नहीं दे सकते, समझे। अब चलिए इसमें इसी फील्ड में हम न्यू कॉलम ऐड करते हैं और हम बात करते हैं टोटल क्वांटिटी की। हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करते हैं, क्वांटिटी में हमने बोला यहाँ पे सम एक्स और फिर हमने इसके अंदर फिल्टर का कमांड दिया और फिल्टर में हमने डेटा को सिलेक्ट किया और फिर हमने एक्सप्रेशन, फिल्टर एक्सप्रेशन में हमने बोला कि डेटा का जो नेम है वो नेम इक्वल टू होगा हमारा डेटा वन का नेम। ओके और फिर इसमें से सम किसको करना है, तो हमें सम करना है क्वांटिटी को, तो डेटा क्वांटिटी। एंटर प्रेस कीजिए, यहां पे आ गया सर। तो ये सम, ए आप सम एक्स फॉर्मूला को समझते हैं क्या करता है। हेलो, यस, सम एक्स फॉर्मूला को समझे करता है क्या है। यस सर, क्या करता है। सो बेसिकली जो भी आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दी है वो उस वैल्यू को सम करके दे देता है आपको। नहीं, पूरी तरह समझिए, पूरी तरह समझिए, इसके लिए हमें मेजर्स पे जाना होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेजर्स पे आया और यहाँ पे हमने टोटल टीटी का नाम कर देता हूँ, इसमें मैंने नॉर्मल लगाया सम का फॉर्मूला, ठीक है। सम, सम फॉर्मूले में हमने बोला कि भाई क्वांटिटी का टोटल दे दी, हमने डायरेक्ट लिख दिया क्वांटिटी का टोटल आ गया। मैं एक बार इसको बताता हूं आपको, क्योंकि ये जो सम फॉर्मूला है वो मेजर्स में अप्लाई होता है। टोटल आ गया 1900, आ गया ना सर। तो हमने सम क्या लगाया, जनरल सम लगाया। सम फॉर्मूले में आप सिर्फ एक कॉलम का फिल दे सकते हो, उसका सम कर देगा, राइट। अब हम बात करते हैं सम एक्स की। तो सम एक्स फॉर्मूला में हम पहले देते हैं टेबल, किस टेबल का फिल्टर करना है और इस टेबल में से किस कॉलम का फिल्टर करना है, बात समझे। तो मुझे इसमें क्वांटिटी का फिल्टर करना है। अब बोलेंगे सर तो फिर क्या फायदा होगा, हम इसमें सम एक्स क्यों फॉर्मूला लगा रहे हैं, सम भी लगा सकते हैं ना, क्या सम और सम एक्स में डिफरेंस समझ में आया, लगा
लगाने का डिफरेंस। हेलो इम्तियाज जी, जी सर, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? जी सर, सामने डायरेक्टली कॉलम नेम दे दीजिए, कॉलम कर देगा। सामने से पहले टेबल देना होता है, फिर इस टेबल के किस कॉलम को सम करना होता है। अब आते हैं हमारे इस फॉर्मूले पे। अब सम फॉर्मूला पूरा का पूरा डेटा तो नहीं लेगा ना सर, नहीं लेगा सर। और जी सम जी फॉर्मूले में हम कंडीशन तो नहीं लगा सकते ना। तो अब फिल्टर फॉर्मूला पूरा का पूरा डेटा देता है, समझे? तो अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो है मान लीजिए कविता का टोटल करना है, तो फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ कविता का डेटा सम एच को देगा, तो टेबल में डेटा देगा और सिर्फ कविता का ही डेटा देगा। फिर कविता का डेटा में से क्वांटिटी वाले टाइप को सर करेगा। सम एक्स कोई सम एक्स नहीं है जिससे हम मल्टीपल कंडीशन लगा सके। सम एक्स फॉर्मूला एक जो है अपने अंदर टेबल को इनपुट में लेता है, उस टेबल में से किसी एक कॉलम का टोटल निकाल के दे देता है। सम एक्स में हम जो फिल्टर फॉर्मूला को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, कंडीशन सप्लाई हो जाती है। अब फिल्टर फॉर्मूले में हमने यहां पे एक कंडीशन दिया हुआ है, अगर दो कंडीशन देना हो तो क्या करेंगे? और लगाएंगे सर, और सर नहीं, एंड प्लस एंड मल्टीप्लाई। इसका मतलब आपने फॉर्मूले का आर्टिकल पढ़ा नहीं, जो काफी पहले मैंने दिया था आपको। देखिए फिल्टर फॉर्मूले में टेबल एंड फिल्टर दिख रहा है राइट, यहां पे लिखा हुआ है नहीं, इसमें एंड लॉग लग जाता है। एक मिनट, फिल्टर बुलियन एक्सप्रेशन टू बी इच टेबल फॉर एग्जाम्पल। हाँ इसमें और लग जाता है, एक्सेल वाले फिल्टर में जो है कॉमा और ये लगता है सर, ठीक है? इसमें और एंड लगा सकते हैं। अब इस चीज को समझे कि हमने ऑल फंक्शन क्यों लगाया, हमने ऑल फंक्शन से एक अलग निकाल दिया। अब इसके ऊपर आप इस कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई मुझे इंसेंटिव देना है। तो यहां पे हमने INC और यहां पे इंसेंटिव कर दिया कि इफ क्वांटिटी डेटा नहीं, डेटा वन क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 10,000, तो इंसेंटिव होना चाहिए 5,000। अगेन इफ डेटा वन क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 20,000, तो 7,500 इंसेंटिव होना चाहिए, अदरवाइज 10,000 इंसेंटिव होना चाहिए। आ गया सर? अब ये जो इंसेंटिव आप देख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, हमने इंसेंटिव लगाया, ये इंसेंटिव हम डेटा पे तो ही लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं सर डेटा पे, क्योंकि डेटा पे क्वांटिटी का टोटल नहीं है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, और हमें जो इंसेंटिव का स्लैब मिला हुआ है वो टोटल से मिला हुआ है। तो इसी केसेस में हमें कई बार जो है इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डैशबोर्ड में हमें रिपोर्ट बनाना है, मान लीजिए मुझे इसका सेल्स का कंपेयरिंग देना है एंड उसके साथ इसका इंसेंटिव में कंपेयर दिखाना है, तो हम इसको सिलेक्ट किए और हमने क्या किया कि नेम को रखा, क्वांटिटी को रखा और फिर इसके साथ हमने इंसेंटिव को रख दिया, ठीक है? समझे, अच्छा समझ में आया कि नहीं सर? हेलो जी सर, आया सर। तो इस केस में हम यूज करते हैं ऑल फंक्शन, सम फंक्शन, सम एक्स फंक्शन एंड फिल्टर फंक्शन। तीन तीन चार फिल्टर आप समझ लिए? हेलो जी सर, जी सर। अरे जरूरी नहीं है कि आपका एक ही कॉलम हो, एक से ज्यादा कॉलम भी ले सकते हैं, पर रिपीटेड में दिक्कत होता है, ठीक है ना?
तो इसे डायरेक्ट कॉलम का नेम ही दीजिए, सही रहेगा। और इस सम एक्स वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। यहां पे एक और आता है ऑल अक्रॉस फिल्टर, ऑल अक्रॉस फिल्टर। देखिए ऑल अक्रॉस फिल्टर यूज होता है डैक फंक्शन में, दिख रहे हैं यहां पे, तो ये आगे बताऊंगा आपको मैं। इस तरह के डैक जो है फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। ऑल एस्पेक्ट की बात करें तो ये भी कैलकुलेट फॉर्मूले के साथ यूज होता है ऑल एस्पेक्ट। यहाँ तक ऑल नॉन ब्लैंक रो, जितने भी नॉन ब्लैंक रो है वो आपका आ जाएगा, ब्लैंक को छोड़ देगा। जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपके डेटा में आपकी जो डेटा है उसमें ब्लैंक रो होने के चांसेस हैं, तो न्यू टेबल पे जाइए। मैं यहाँ पे डेटा टू कर देता हूं और यहाँ पे हम ऑल ब्लैंक रो और इसमें टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो डेटा आ गया, इसमें हमने ब्लैंक को हटा दिया, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं ऑल एक्सपेक्ट की, एल एक्सपेक्ट टेबल एंड डेटा, और कॉलम नेम मैंने बोल दिया कि भाई मुझे इसमें से हाँ। इसमें आपने देखा सब कुछ आया बट नेम नहीं आया। तो ऑल एक्सपेक्ट क्या होता है कि आपको डेटा में से कॉलम अगर आपको नहीं चाहिए, समझे, कॉलम आपको नहीं चाहिए, वो कॉलम यहां पे डाल दीजिए, वो आपका हट जाएगा। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बात समझे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए एक ही डेटा पे दो अलग अलग एंगल से टोटल करना है आपको। जैसे हम यहां से भी डिलीट, मान लीजिए कि यहां से भी हम इसको डिलीट कर सकते हैं, नेम को यहां से भी डिलीट कर सकते हैं, यहां सेलेक्ट करेंगे और यहीं से कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो बट प्रॉब्लम क्या होगा कि मुझे कई सारे रिपोर्ट बनाने हैं, किसी रिपोर्ट में हमें नेम की जरूरत है, किसी रिपोर्ट में हमें नेम की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहां से डिलीट कर दिया तो किसी में अगर मुझे अगर जरूरत पड़ी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझे। तो वहां पे इसी की एक टेबल, एक कॉपी टेबल बना देंगे और जो जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए उसको हटा देंगे ताकि हम उसका यूज कर सके। अब बोलेंगे इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट होता है आपके इसमें आपका जो रिपोर्ट होता है इसमें आपका फिल्टर का, कि हम फिल्टर जो है उस पर हमारा बंदा ना लगा पाए, समझ गए, कि उस रिपोर्ट पे नेम का फिल्टर अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा। ऑल सिलेक्टेड ये भी वही है कि आप मान लीजिए इसमें से कुछ पर्टिकुलर कॉलम चाहिए वही कॉलम आएगा ऑल सिलेक्टेड में, राइट। अब बात करते हैं कैलकुलेट का, कैलकुलेट फंक्शन का। तो कैलकुलेट फंक्शन हम आपको कल कराएंगे सर, ये थोड़ा सा है क्रिटिकल फंक्शन है, तो कल हम कैलकुलेट फंक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। अभी आप फिल्टर, सम एक्स, सम ऑल इस सब फॉर्मूले पे आप एक बार अपना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कल तो मंडे ना सर। हाँ मंडे जी सर। थैंक यू सर। बाय जी। बाय जी।